के लिए जो लोग ये बोल रहे ना कि वीडियो एडिटिंग इजी है, ये लक्ष्य के मेन चैनल की वीडियो की टाइमलाइन है, जिसमें कि मैं कहूंगा कि काफी हद तक बेसिक एडिटिंग ही है, क्योंकि साले का चैनल ही बेसिक है। मैं ये कह रहा रचित, मुझे ऐसा लग रहा कि लोग हमारे ट्रिप का बॉयकॉट ना कर दे, क्योंकि बना रहे जाते हैं नहीं, रोज घर का डाल रहे हैं लोग। जाने रहे निकल लिए, पैकिंग स्टार्ट हो चुकी, सब कुछ पैक करना, बस एकदम अभी ऐसा निकलूंगा, भागा जाऊंगा। मैं तो तुम्हारी कैब के साइड में फ्लैश की तरह पैदल लग लूंगा यूं ही, जब हम कैब से आ रहे होंगे वापस। अभी इस वक्त हमने भी कांचू को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे रखा, इसके आते ही थाईलैंड की ज्यादा बातें करने लगे, जिससे कि इसको लगे के बहुत गरीब है। विकांचू को एक बार क्रिस्टल वर्ल्ड ले जाएंगे। आज तो प्लेन से जा रहे हो, टायर नहीं होते उसमें? नहीं टायर हो, कौन सा प्लेन देख लिया। जमीन पर चलने वाले नहीं, बस लैंडिंग के लिए खुले हैं। ये ध्यान रखिए की विकांशु के बिना इंस्टा पे जब तक डेड हो चुका होता तीनों का। विकांशु को भी अड़ा दिए देख। क्या बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो, अड़ा दिए। अरे मैं कह रहा हूँ ये क्या यार, ये सब डेड अड्डा। अच्छा बस अड्डा, हवाई अड्डा। और आज इतना काम था कि मेरी कंपनी का भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ, फटाफट उसे निपटाऊंगा। और अभी अक्षित का वेट कर रहे सब। अक्षित आज के दिन भी पीटी दे रहा, हमें आज ही एयरपोर्ट निकलना, और आज भी वो फोन नहीं उठा रहा। तो ये देख, और उसे मुजफ्फरनगर से इधर आना, देख लो कभी फोन नहीं लेना लग रहा हो, कभी वो वहीं बैठा हो एयरपोर्ट पे थाईलैंड। बात वो है कि भाई ट्रेन पे तुम ऐसे मैटर्स में डिपेंड नहीं कर सकते, वो ट्रेन पे डिपेंड था। एक वो लेट होगी, बहुत लेट हो जाए, ज्यादातर ट्रेन लेट हो। हाँ, और अभी कोविड लॉकडाउन के बाद तक तो सही चल रहा था ट्रेन का, लेकिन अब दोबारा वही हाल हो गया, दोबारा लेट होने लगी है। भीड़ भाड़ उठा के इन्फॉर्म तो कर दे बंदा, वही तो बात है। तो हम यहाँ इन्फॉर्म कर दे आप लोगों को, सब कुछ बिगड़ा हुआ है इस टाइम पे। यहाँ देखो ये दो दो चीज ये खुली रही, एक ये खुली रही, एक उधर खुली रही, उधर शूट भी चल रहा था अभी इनका, तो सब बस अपने कच्ची खोल लूंगा वॉशरूम में जाके। नहीं अभी बैग खोल लो भाई, कच्ची तो खोल लो ना, रख लो कच्ची, कच्ची तो रख लो। मैं नहाया भी नहीं आज, पर अभी नहाऊंगा। चल नहाया कोई भी नहीं, अभी मुंह धो के निकल जाएंगे, वहीं जाके नहाऊंगे। ये मैं गलत हुई इस बात में, आप बताओ, नहा लिए तो तुम्हें नींद नहीं आने की रास्ते में? मैं सोच रहा हूं कि फ्लाइट में सो जाऊंगा। नहा के बहुत अच्छी नींद आवे, सिर में खुजासी मारो जा, फिर नियती नींद। नहीं नींद यार जब आवे, जब नहा के एकदम लेट गया। मैं सैटरडे में नहाया, संडे में नहाया, मंडे में नहाया, भाई चार दिन हो गए मुझे बिना नहाए। पहली बार मैंने इतनी बड़ी स्ट्रीक बनाई, वरना रोज नहाऊ मैं। हां मैं तो गली बाल कटवा गया, मुझे ऐसा फील हो रहा सुबह से, कुछ मगर खुजली सी है शरीर में, क्या बात हुई? अब याद आया कि नहा नहीं रहे। थोड़ा दूर रख, वाइड पे शूट कर भाई, जर्म सारे होंगे यार। लड़कियां भी देखे हैं, क्या ही सोचती होंगी, क्या फर्क पड़ा ना, कैमरे से ही तो देख रहे तुम हमें। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो मैं वीडियो बना लूँ नहाते हुए, और बताओ बेहतरीन है। एक 12 मिनट का व्लॉग ही निकाल देना नहाते हुए, उसमें सारा बता। दोस्तों हम वहां से गए फिर। वो बना तो लूंगा मैं, लेकिन मेरी एक चीज फ्रेम में नहीं आने की, उसके लिए बड़े लेंसेज चाहिए, वाइड एंगल चाहिए उसके लिए, बहुत ज्यादा वाइड चाहिए उसके लिए। अक्षित है क्या फोन पे, क्या अपडेट है? अभी तो मुजफ्फरनगर ही, अभी मुजफ्फरनगर ही है, युगो वही रह ले फिर। अच्छा छोटा है क्या तेरा, सीवी भेज रहा भाई मैं, भेज रहा इसे यूँ बता यार, सुबह से क्या कर रहा हूँ? नहीं आज सुबह काम बहुत है यार आज, अब पर अभी भेज रहा मैं तेरा सीवी ही भेज रहा। बाबू के सीवी से ऊपर कुछ नहीं है। अक्षित अभी निकला नहीं मुजफ्फरनगर से, नहीं कह रहा एक ट्रेन है 1 घंटे में पहुंचा देगी, मगर किसी ने बढ़िया भगा रखा तुझे। फ्लाइट कौन सा उसके बिना रुक जाएगी, उसकी टिकट पे कौन जाएगा फिर? कोई अक्षित मलिक ढूंढ लो रातों रात। एक वर्दी कंटेंडर दिख रहा है इस टाइम मुझे। ये बता कि आधार कार्ड ऑफिस पे जान पहचान है क्या थोड़ी बहुत? अभी होती तो अभी होता नाम चेंज, पासपोर्ट भी नहीं है भाई। फिर तो बैंक ऑफ ना बैंगलोर का ट्रिप करना पड़ता। हाँ मुझे भी याद आया, मैं सैटरडे में नहाया था, संडे में नहीं नहाया था, और कल मंडे था, और आज ट्यूसडे है, आज मैं शाम में नहा ही लूंगा। तो मुझे कितने दिन हुए, संडे मंडे 2 दिन हुए सिर्फ, 4 नहीं, मतलब कभी जज करो, इसलिए मैंने बीच में अपडेट दी दिया। कसम मैसी है, लेकिन कोई बात नहीं। ये यार मुझे क्या ही झिंगोला सा दिलवा दिया, क्या बोल रहे ना, चौड़ी पैंट, ये एक ये लेके जा रहा मैं, 3 अपनी शर्ट्स और 2 लोअर रख लूंगा, और बस बाकी कपड़े तो भाई उधर से ही खरीद जाएंगे, कपड़े और शूज, जिसे जिसे भी शूज मंगवाने हो ना। मुझे ऐसा लग रहा मैं कस्टम देता फिर रहा दूसरे के जूतों के चक्कर में एयरपोर्ट पे। ऐसा करूंगा कि 4 पैरों पे चल के आऊंगा, 2 तो पैर में पहन लूंगा, 2 हाथ में, और ऐसा कहूंगा मैं, कहा मेरी मर्जी मैं ऐसे ही चलूं, तब जाके मैं अपने मनपसंद शूज खरीद पाऊंगा। और बात करते ही करते बैग ले आई, बताओ करा भाई कुछ नहीं करा भी, नाम क्यों लेने लगा तेरी, पता लोगों को लड़का कहना, इतना ध्यान रख रहा पिछले कुछ टाइम से, मुझे ऐसा लग रहा है ना चोरी चारी कर ली मोटी 5-7 लाख की। मैं तो बजाय मान लेट रेंट पे चढ़ा दूंगा, कुछ तो बात है। मैं कह रहा जब तक हम वापस आ गए फ्लैट दिख नहीं रहा, इसे बेच कोच कर खा जाएगा। पहले रसमलाई मंगाई थी मिली नहीं, इसलिए लाया गुलाब जामुन। अच्छा बता दिया फिर यार, देख लेता हूँ मैं, मुझे थाई बात देखना यार बस। इसमें है क्या? सारों में सब के अलग अलग दे दिए ना कि मिक्स अप ना हो। अच्छा भाई यार ये तो मैं जेब में लेकर आया हूँ। डैम ये है भाई, लगभग 30,000 रुपए का कन्वर्जन है पर पर्सन, 29,977 रुपए का कन्वर्जन है, 870। एक नु फोटो गिर रही अच्छा देखो ये तो 500 रुपए है, ये 1,000 है, बता यार भाई थाई बात है। हाँ थाई पूरा ऐसा
7:20 की फ्लाइट है और अभी 3:00 फ्लाइट आज। नहीं नहीं ये घड़ी ना ये पीछे है, ये मनोबल अच्छा रखे आदमी का। गोवा चले जाएंगे न्यूयॉर्क, उसे किसी चीज की बहुत जल्दी। अभी तो मैं पता नहीं व्लॉग में एक आदमी पकड़ा था मैंने ट्रिमर चलाता हुआ। मतलब बैंकॉक का इमिग्रेशन प्रोसेस इतना स्मूथ है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से। क्या पूछा कि वीजा क्यों नहीं लिया, मेगा ऑन अराइवल है बस, बोर्डिंग पास इमिग्रेशन वगैरह सब हो गया। और लक्ष्य से पूछा कि क्या करने जा रहे हो, मैंने कहा यूट्यूब चैनल, कह रहे तब वीडियो फोन बना के डाल लेगा वहां से, मैंने कहा मैं ही डालूंगा सर। और रचित से कुछ पूछा ही नहीं, अक्षित तेरे से क्या पूछा था, अच्छा मतलब अपने घर से पहले यार। लेकिन मैं तो दूसरा बंदा हूँ जो अपने घर से फॉरन जा रहा, अगर पहला होता तो हार ही पहन के आता। मेरे तो पड़दादा भी गए पर उनके बाद कोई नहीं गया। मैंने पापा को कहा मगर पापा पहला ही जा रहा तुम्हारे घर में से, तो कह रहे नहीं मैं भी गया था नेपाल। एक बंदा देखा था दो हार पहन के आया था, वो थोड़ा लोग कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं पहली बार जाने को, वो कुछ वैसा होगा कॉम्पिटिशन या उस चीज के लिए जा रहा होगा। जा थोड़ी भार डाल के जीतता होगा तभी तो डलेंगे, जॉब वगैरह लगी होगी उसकी। हाँ जॉब वगैरह पढ़ाई का हो सके। मुझे भी रियलाइज हुआ हम ठेके के पास खड़े कितनी सारी दारू है। अरे सुहा बहुत तेज एंड मोमेंट पे आ तो मेरी भी रही यार, मैं भी हो ही आऊँ। सरप्राइज सरप्राइज हमारी फ्लाइट लेट है, फ्लाइट की टाइमिंग थी 7:30 और अभी होगी 8:30। अभी पौन घंटे से मैं सो रहा था, अभी मेरी आँख खुली, अभी 8:00 है सुबह के। लक्ष्य ने कोई ड्रिंक मांगी तो उसके लिए क्यों ना एक पल्पी ऑरेंज ड्रिंक ले लीजिए। ऑरेंज ड्रिंक साला तोतला। इससे बढ़िया तो अपनी बस में पहुंच जाते। सुबह हो गई यार, 6 घंटे हो गए जब से हम चले हुए। हमें 7:30 का टाइम दिया था फ्लाइट का और पहले 8:10 बोला इन्होंने, फिर 8:30 और अब 9:00 बोलने लगे। रे और अक्षित अभी गए हगने, आराम से आते भाई, कोई जल्दी नहीं है। मजा आ गया भाई, फ्लाइट 9:00 होगी डिले। इसके चक्कर में ना बोला जब से सब लड़ रहे जाके कि फ्लाइट क्यों डिले है, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। मेरे पास है थोड़ा, मेरे पीछे देखे मीम मटेरियल रखा है एक चीज। एक किंग ने तथ्य थूक रखे, वो फर्स्ट के केबिन क्रू पे बोल रहे कि अपने सीनियर को बुलाओ मुझे उनसे बात करनी, तो वो कह रहे कि आप मेरी बात तो सुनो, कि आपकी बात सुनने जैसा गो फर्स्ट में कुछ है ही नहीं। आपकी बात आपने मैंने सुन ली थी, बात आपकी बात पे भरोसा ही नहीं कर सकते। हाँ आप अभी 8:20 बोल रहे हो फिर 8:40 बोलोगे, मैं कहा तथ्य ही थूक रहे किंग सुबह सुबह।